हमारा JDSU का OTDR, OTDR का मतलब होता है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, जिससे हम लॉस और डिस्टेंस चेक करते हैं। ये हमने अभी पैच कोड उसकी कनेक्ट की हुई है फाइबर से और हम ट्रेस मार रहे हैं। ट्रेस मारने के लिए सिंपल सा स्टार्ट और स्टॉप वाला बटन होता है, इसमें प्रेस करना पड़ता है। स्टार्ट एंड स्टॉप बटन दबा के जैसे हमने प्रेस कर लिया तो एक रेड लाइट जलने लगी है, तो हम हमारी अभी लेंथ चेक दिखा देगा कितनी लेंथ जा रही है फाइबर की। देख जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये प्रोग्रेस दिखा रहा है कि हमारी लेंथ जा रही है 1.437 किलोमीटर, उसमें लॉस 0 दिखा रहा है, पूरा रिफ्लेक्शन लॉस ये है और पर डीबी पर किलोमीटर लॉस इतना दिखा रहा है और ये टोटल लॉस हो गया हमारा। और इसमें क्या है, हम सेटअप ये हमारे सेटअप का बटन है, ये एक बटन होता है हमारा सेटअप। सेटअप में जाके हम इसकी वेवलेंथ मैनुअली ऑटोमेटिक रेंज कितने किलोमीटर तक हमारी रेंज हमें फाइबर ट्रेस लगाना है वो चेंज कर सकते हैं, पल्स चेंज कर सकते हैं, रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं और टाइम स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन OTDR सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें इसे बैक करना है तो सीधा बटन है स्टार्ट स्टॉप का बटन, बटन दबा दिया तो ये हमारा ट्रेस लग जाएगा इस प्रकार से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने सेट किया हुआ है, एक वेव लेंथ है इसकी 1550 NM और इसमें हमारे इवेंट एक आ रहा है, ORL इतना आ रहा है हमारा, ये ORL हुआ, ये इवेंट हो गया हमारा और ये हमारी पूरी किलोमीटर कितनी लेंथ जा रही है 45 की हमारी और ये लॉस हो गया। एक लॉस यहाँ पर भी दिखाता है अगर हमारे बीच में जॉइंट हो या S1 लगा हो तो उसमें यहाँ पर भी लॉस दिखाता है, अभी लॉस नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारे फिक्स फाइबर ब्रेक है तो हमारी इतनी ही लेंथ जा रही है, ये इसका पर किलोमीटर लॉस और ये टोटल लॉस हो गया इसका। ये JDSU का FTS 4000 वाला OTDR मशीन है, सिंपल सा है, इसमें ये ऑन ऑफ वाला बटन है, ऑन ऑफ करके हम सीधे ओपन कर देंगे और ये जो हमारा स्टार्ट और स्टॉप वाला बटन है ये राइट साइड में दिख रहा होगा, इसको प्रेस करके हम ट्रेस लगा सकते हैं। जैसे मैं दोबारा लगाना चाहूँ हमने प्रेस कर लिया है, प्रेस करके हमारी ये लेंथ दिखा देंगे कितनी लेंथ जा रही है, हमारी लेंथ निकल के आ चुकी है।